वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और ये वैकेंसी अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आई है। यह वैकेंसी बैंक की है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और 100 पोस्ट है इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन देख लिया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को टिप दिए कि आने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यह रिक्वायरमेंट वैकेंसी नोटिस पढ़ लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन आर इनवैलिड फ्रॉम द इनेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ कलर जूनियर ऑडिटर हार्डवेयर इंजीनियर EDP कंप्यूटर असिस्टेंट एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और ये वैकेंसी या पे स्केल देख लेते हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो क्लर्क में आपको पोस्ट आपको 71 टोटल है और इसमें पे स्केल की बात किया जाए तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपया तक है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 एज है आपको मेल के लिए और 1838 से फीमेल के लिए। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो पास इन ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12वीं स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्विवेलेंट रिजनाइंट बोर्ड्स होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और बाकी आप देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और पीरियड ऑफ प्रिवेशन 2 ईयर्स का रहेगा आपको। और कैटेगरी में आप देख लीजिए, UR में 38 पोस्ट है और OBC के लिए 27, ST के लिए 6 है। अब आते हैं जूनियर ऑडिटर के लिए, इसमें 6 है टोटल पोस्ट। और पे स्केल की बात किया जाए तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 ईयर मेल के लिए और 18 से 38 ईयर तक फीमेल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो BCOM डिग्री होना चाहिए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस एंड इसके साथ होना चाहिए और बाकी आप देख लीजिएगा, और उसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए। और प्रिवेशन आपको 2 ईयर्स का होगा। कैटेगरी में आप देख लीजिए, UR में 4 है, OBC में 2 है और ST में 0 है। ठीक है, अब आते हैं हार्डवेयर इंजीनियर के लिए, इसमें देख लीजिए टोटल पोस्ट 4 है और पे स्किल 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 है मेल के लिए और 18 से 38 ईयर फीमेल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर इंजीनियर फॉर रीजनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और देख लीजिएगा बाकी, और प्रिवेशन आपको 2 ईयर्स का रखा गया है और कैटेगरी में UR में 2 है, OBC में 2 है और SC में 0 है। अब आते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 4 है और पे स्किल की बात किया जाए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 ईयर मेल के लिए है और 18 से 38 ईयर फीमेल के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांग रहा है BCA या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट नेटवर्क का होना चाहिए और पीरियड ऑफ प्रिवेशन आपको 2 ईयर्स का होगा इसमें। और उसके बाद कैटेगरी में UR में 2 है, OBC में 2 है और ST में 0 है। अब आते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ, MTS में आपका कितना पोस्ट है, 15 पोस्ट टोटल है और इसमें पे स्किल की बात किया जाए तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक है। और एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 ईयर मेल के लिए है और 18 से 38 ईयर फीमेल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 10th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रिवेशन आपका 2 ईयर्स का रहेगा और कैटेगरी आपका बांट दिया गया है, UR में 8 है, OBC में 6 है, ST में 1 है। और एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। और इसमें फ़ी आपका कोई नहीं लग रहा है फार्म में, और फार्म आपको ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक ना, और आपको भेजना उसका बता देंगे और फॉर्म भी हम दिखा देंगे और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वहाँ साइट का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और बाकी टर्म एंड कंडीशन की बात है तो आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा और एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ा कीजिए, तभी आपको मालूम कौन चीज़ का होगा। और देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर लिखा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हेड ऑफिस 98 मौलाना आज़ाद रोड प्रोड बिल आर पिन 74-41-01 लास्ट डेट बाय 30-4-2019 अप टू 4:30 बजे तक आपको ये आपको पहुंच जाना है। ठीक ना, उससे बाद में आपको पहुंचेगा तो वह एक्सेप्टेबल नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये आप जो भेजिएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा और इसका लिंक हम दे देंगे, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर
फॉर्म है, फॉर्म आपका पोस्ट डाल दीजिएगा, एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट आप किस लिए पोस्ट कर रहे हैं, कलर का डाल रहे हैं या इंजीनियर का डाल रहे हैं या ऑडिटर का डाल रहे हैं, तो वो आप डाल दीजिएगा सबसे ऊपर में। आपका एक फ़ोटो साइट डाल दीजिएगा, फोटोग्राफ डाल दीजिएगा, और ब्लॉक लेटर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, और रिकॉर्डेड और फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो आप डाल दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर का बात किया जाए तो एक उसका हम डिस्क्रिप्शन में आप बेल आइकन में हम डाल देंगे उसका, और वहाँ से आप जो लोग नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और हम पूरा उसका वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और देखिए पोस्ट एड्रेस कम्युनिकेशन अपना जो पता है वो डाल दीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, एक्सपीरियंस अगर हो तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा मोस्ट, और सिग्नेचर की बात किया तो सिग्नेचर अपना डाल दीजिएगा, और नीचे डिक्लेरेशन है ये पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, प्लेस एंड डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर और कैंडिडेट डाल दीजिए। आपको ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको ऑफलाइन भेजना है, ठीक है, तो इसमें आप पता पता ये है, ठीक है, ये आप यहाँ पर भेज सकते हैं इसमें, ठीक है, ये पता है अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 98 मौलाना आज़ाद रोड पोर्ट बुलारी 74-41-01 पिन कोड है ये, इसमें आप भेज दीजिएगा बाई पोस्ट, आपको ये चल जाएगा, और बहुत अच्छा वैकेंसी है, और इसमें पे भी स्केल बहुत अच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, जिनको मालूम नहीं है उनको मालूम करवा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।